यूवी इंडिया न्यूज में आज हमारे साथ में गौतम बुद्ध नगर के अपर श्रमायुक्त श्री सरजू राम जी हैं, जो श्रम कानून से संबंधित सभी सवालों का जवाब देंगे। और बहुत ही, जब से ये आए हैं तब से बहुत ही अच्छे तरीके से नोएडा में काम हो रहा है और बहुत ही अच्छे तरीके से काम ये कर रहे हैं। और आज हमने इनको बुलाया अपने स्टूडियो में, तो हम शुरू करते हैं। सबसे पहले तो आपका बहुत बहुत स्वागत है, अभिनंदन है आपसे सर। एक पहला क्वेश्चन हमारा ये है कि श्रम कानून जो है उनको पालन करवाने के लिए, जब आप फैक्ट्रियों में पालन करवाते हैं या प्रतिष्ठानों में आप उसका पालन करवाते हैं, तो उसमें आपके सामने क्या क्या चुनौतियाँ आती हैं, कैसे उनको पालन करवाते हैं, क्या क्या दिक्कतें आती हैं आपके सामने, कैसे उनको पालन करवाते हैं, इस चीज़ के बारे में थोड़ा सा अपना बताएं आप। मैं सरजू राम शर्मा, एडिशनल लेबर कमिश्नर गौतम बुद्ध नगर हूँ। मैं थोड़ा सा इससे पहले थोड़ा सा ये श्रम कानून के बारे में थोड़ा सा एक इंट्रोडक्शन टाइप का लेना चाहता हूँ। श्रम कानून का पालन और श्रम कल्याण दोनों अलग अलग चीजें हैं। कभी कभी श्रम कानून का पालन हो जाता है लेकिन श्रम कल्याण नहीं हो पाता है, कभी कभी श्रम कल्याण हो जाता है लेकिन श्रम कानून का पालन हो सकता है ना हो। जैसे हमारे जो ऐसे एग्जीक्यूटिव हैं जो श्रम कानून से ऊपर हो गए हैं, तो वहाँ पर उनकी सर्विस कंडीशन बहुत अच्छी है, उनके वेजेज अच्छे हैं, उनको रहने घर मिल रहा है, उनको उनके परक्यूज बहुत अच्छे हैं। श्रम कानून से ऊपर हैं तो श्रम कानून से ऊपर हो गए हैं भले, लेकिन उनको श्रम कल्याण अच्छा है, वो बेटर सर्विस कंडीशन जी रहे हैं। तो मैं कहना चाहता हूँ कि श्रम कल्याण और औद्योगिक विकास ये दोनों एक दूसरे के पूरक हैं, और उद्योग निवेश और श्रम कल्याण दोनों साथ साथ में जोड़ के देखना चाहिए, दोनों पर्यायवाची हैं, एक दूसरे के विरोधी नहीं हैं। जैसे श्रम कानून का पालन करते हैं तो सेवा जो समझते हैं कि हमारा नुकसान कर रहे हैं, लेकिन ऐसा नहीं है। श्रम कानून का पालन कराते हैं तो कहीं ना कहीं उद्योगों का ही विकास भी होता है, और उद्योगों का जब विकास होता है तो श्रम कल्याण अपने आप ही बढ़ता रहता है। अब देखिए, ऐतिहासिक पृष्ठभूमि में अगर देखें तो गुप्ता काल, मौर्य काल, आप सब जग जाहिर है, इसमें उद्योगों का बहुत विकास हुआ, व्यापार का बहुत विकास हुआ, अल्टीमेटली श्रम कानूनों का पालन अपने आप हो गया, श्रमिकों का कल्याण अपने आप ही बढ़ गया, अपने आप ही उनकी वेजेस बढ़ गई, अपने आप ही उनका कल्याण भी बढ़ गया। तो ये श्रम कल्याण जहाँ तक बात है, तो जैसे कि रामायण में वाल्मीकि जी ने कहा है कि जब रामचंद्र जी वनवास पर गए थे तो भरत जी, इधर दशरथ जी की डेथ हो गई, दशरथ जी की देहांत के बाद में भरत जी उनको मनाने के लिए गए, सारे लाल लश्कर साथ जब मनाने के लिए गए तो जब वहाँ पहुँचे हैं तो रामचंद्र जी ने सबसे पहला प्रश्न किया, और जो प्रश्न रामचंद्र जी ने भरत जी से किया वही प्रश्न हम एज ए लेबर लॉ इम्प्लीमेंटेशन अथॉरिटी के रूप में हम सेवायुजकों से ये कहते हैं कि कंचित बलस भक्तम च वेतनम च यथोचितम संप्राप्त कालम दातव्यम तदासिना विलंब से। क्या आप अपने, रामचंद्र जी कहते हैं भरत से, क्या आप अपने सभी श्रमिकों को, सभी भक्तों को, दासों को और सभी सैनिकों को समुचित मात्रा में और समय पर वेतन देते हैं अथवा नहीं? यही प्रश्न हम ही सेवायोजकों से ही करते हैं कि क्या आप अपने श्रमिकों को समय पर वेतन देते हैं और समुचित वेतन देते हैं अथवा नहीं? फेयर वेजेस एंड वेजेस इन टाइम, टाइमली पेमेंट आई वेजेस एंड फेयर वेजेस, दोनों कॉन्सेप्ट सीधे सीधे श्रम कानूनों में उतार लिए गए हैं। तो सबसे पहले हमारा प्रश्न होता है, क्या आप अपने श्रमिकों को समय पर वेतन, समुचित वेतन देते हैं अथवा नहीं? अगर तो समुचित वेतन देते हैं, समय पर वेतन देते हैं तो श्रमिकों का कल्याण होता है, उनको समय पर टाइम से वेजेस दीजिए, पर्याप्त मात्रा में वेजेस दीजिए, पर्याप्त धन दीजिए ताकि उनका गुजर बसर अच्छी तरह हो जाए, यही फेयर वेजेस हैं। इनका हम पूछते हैं कि ये आप कर रहे हैं कि नहीं, जहाँ कर रहे हैं तो वहाँ श्रमिक कल्याण है, जहाँ नहीं कर रहे हैं श्रमिक कल्याण।
महिलाओं का आजकल काफ़ी उत्पीड़न की शिकायतें आ रही हैं डिफरेंट डिफरेंट जगहों से, तो पॉस एक्ट बनाया गया है इसके लिए। तो पॉस एक्ट के लिए आप क्या कहना चाहेंगे कि पॉस एक्ट कैसे इम्प्लीमेंट होता है कंपनियों में और हमारा श्रम विभाग कैसे उसको इम्प्लीमेंट करवाता है, किस तरीके से उसमें काम करना चाहिए, कैसे क्यों मैंडेटरी है पॉस एक्ट, ये चीज़ भी लोगों को थोड़ा सा जानकारी है आपकी तरफ से। पॉस एक्ट 2013 का बहुत ही सशक्त एक्ट है और ये जो है पुरुषों महिलाओं दोनों के लिए ही बहुत ही लाभदायक एक्ट है और इसमें सबसे महत्वपूर्ण आंतरिक शिकायत निवारण समिति है जो कि हर कंपनी में हर प्रतिष्ठान में बननी चाहिए, हर कारखाने में बननी चाहिए। आंतरिक निवारण शिकायत समिति, शिकायत निवारण समिति का फ़ायदा ये है कि जब किसी महिला श्रमिक को कोई शिकायत होती है किसी पुरुष श्रमिक से और पुरुष श्रमिक द्वारा उसको किसी तरह से हैरास किया जाता है, उत्पीड़ित किया जाता है, तो वो शिकायत आंतरिक शिकायत निवारण समिति में दे सकता है। वो समिति क्या करेगी, पक्षों को बुलाएगी, बातचीत करेगी, सुनवाई करेगी, सुनवाई के बाद में एक नतीजे पर पहुँचेगी जो जाँच रिपोर्ट प्रस्तुत करेगी। जाँच रिपोर्ट के बाद में ये होगा कि वो संबंधित पुरुष श्रमिक दोषी है अथवा नहीं है, उसका निर्णय होगा। अगर दोषी पाया जाता है तो फिर क्या उसके खिलाफ विभागीय कार्रवाई की जाए या आगे कार्रवाई की जाए। अगर विभागीय कार्रवाई की व्यवस्था की आवश्यकता है तो फिर जो नियुक्ति प्राधिकारी है तो उस संबंधित श्रमिक के खिलाफ, संबंधित कर्मचारी के खिलाफ विभागीय कार्रवाई कर सकता है, अनुशासनात्मक कार्रवाई कर सकता है। अगर कोई हीनियस्ट क्राइम इस तरह का है तो ये FIR लिखाने का भी प्रावधान है। तो ये दोनों वर्गों के लिए बहुत ही अच्छा है आंतरिक शिकायत निवारण समिति। पहले क्या था कि अगर कोई ऐसे कोई उत्पीड़न है तो सीधे सीधे FIR लिखा दी जाती थी। इस कारण से मान लिया किसी को गलत एलिगेशन लगा दिया गया तो अनावश्यक रूप से वो उसमें फंस जाता था, परेशान हो जाता था, तो वो परेशानी नहीं होती है। और इतना जांच करने के बाद में एक सही चीज़, सत्य बात सामने आ जाती है कि क्या सही है क्या गलत है। अगर सही में श्रमिक का उत्पीड़न हुआ है तो उसके अकॉर्डिंगली कुछ कार्रवाई हो जाती है, अगर नहीं हुआ है तो फिर वो भी क्लियर हो जाता है। दूसरा, हम लोगों ने यहाँ मैटरनिटी बेनिफिट एक्ट में काफ़ी अच्छा काम किया है। ये मैं समझता हूँ कि जो है प्रदेश में गौतम बुद्ध नगर एक पहला ऐसा ज़िला होगा जिसमें मैटरनिटी बेनिफिट एक्ट में काम किया है, जहाँ कभी किसी ने काम नहीं किया। सबसे बड़ी बात यह है मैटरनिटी बेनिफिट एक्ट में जो हमारा संप्रदाधिकारी है वही प्राधिकारी होता है और किसी को पता ही नहीं होता है कि हम प्राधिकारी हैं। जब मैंने बताया कि तुम भी प्राधिकारी हो, तुम आप लोग प्राधिकारी हैं, आप लोग उसमें डिसीजन दे सकते हैं, आप लोग काम पर वापस रखवाने का आदेश कर सकते हैं, जो काम लेबर कोड करता है वो पावर आपको है, और पैसा दिलाने का जो काम किसी बड़े असिस्टेंट लेबर कमिश्नर, डिप्टी लेबर कमिश्नर काम है वो आपको पावर्स है, आप पैसा दिला सकते हैं, आप एज ए एरियर्स आप लैंड रेवेन्यू वसूली कर सकते हैं। जब उसको थोड़ा सा उनके अधिकारियों के बारे में मैंने बताया तब वो लोग काम करना शुरू किए हैं, तो शुरू किए उसका फ़ायदा ये हुआ है कि आज की डेट में हम लोग अभी 6,18,000 रुपये महिला श्रमिकों को भुगतान कर चुके हैं। और एक दिन तो पेपर में भी निकला था जिसमें एक संप्रदाधिकारी के द्वारा एक महिला श्रमिक को चेक दिया गया था। तो क्या होता है कि जैसे कोई भी महिला है और सेवाजक यहाँ काम कर रही है, जैसे एक्सपेक्टेड होती है उससे पहले ही उसको निकाल के बाहर कर देते हैं, तो वो ना हो इसलिए इस पर रोक लगाना बहुत ज़रूरी है। इसमें अच्छा, जो महिला जो है जो कि डिलीवरी, जब उसकी एक्सपेक्टेड डिलीवरी की जो चालू हो रही है इसके बाद जब आफ्टर डिलीवरी, तो शुरू के 3 महीने और आखिरी के 3 महीने, वो 6 महीने टोटल मतलब उसको लीव लेती है, क्या वो कंटिन्यूस लीव भी ले सकती है? हाँ, कंटिन्यूस लीव ले सकती है, डिलीवरी का दिन, डिलीवरी से पहले का दिन, बाद का दिन, कुछ दिन पहले भी हो सकते हैं, कुछ दिन बाद भी हो सकते हैं। और अगर फिर भी अगर कम पड़ जाए लीव तो उसमें अर्जित अवकाश भी उसमें जोड़ा जा सकता है, प्रिविलेज लीव जोड़ी जा सकती है, तो लीव ले सकती है, कोई दिक्कत नहीं उसमें। कॉन्ट्रैक्टर लेबर के बारे में, जो कॉन्ट्रैक्टर लेबर होते हैं तो उनके लिए क्या प्रावधान है, उनको क्या नियम फॉलो करने चाहिए, या कॉन्ट्रैक्टर लेबर के लिए आप श्रम विभाग किस तरह से काम करता है कि उनको भी वही सुविधाएं मिले जो कि प्रिंसिपल एम्प्लॉयर को मिलती हैं? ये चीज़ लोगों को क्लियर नहीं है, तो थोड़ा इस बारे में भी अपना, इस पे थोड़ा सा प्रकाश डालें अपना।
तो कंपनी में जो सुविधाएं होती हैं सारे श्रमिकों के लिए एक ही होती हैं, कैंटीन एक ही होती है, अन्य सुविधाएं भी वही होती हैं जो कॉन्ट्रैक्ट लेबर की हैं, वही जो प्रिंसिपल एम्प्लॉयर के सीधे नियोजित श्रमिकों के लिए भी हैं, संविदा श्रमिकों के लिए भी वही सुविधाएँ होती हैं, तो इसमें अंतर नहीं होता है। उसमें एक नियमावली है, नियम 24-25 है, तो उसमें कहा गया है कि अगर कोई सेम एंड सिमिलर नेचर ऑफ वर्क का काम करता है, जो सीधे नियोजित कर्मचारी करता है, वही या उसी प्रकृति का काम संविदा श्रमिक को केस से लिया जाता है, तो अन्य सुविधाओं के साथ साथ में वेजेस भी वही पाने का हकदार होता है जो प्रिंसिपल एम्प्लॉयर के सीधे नियोजित श्रमिक को मिलता है, कि उसमें प्रावधान किया गया है। इसमें कई एडजुडिकेशन हुए हैं और इसमें लेबर कमीशनर को पावर दी गई है, लेबर कमीशनर उसमें डिसाइड करते हैं। कई मामले हम लोगों ने रिफ़र किया है, रिफ़र करके वहाँ पर हुआ है, तो उसमें ये हुआ है कि जो सीधे निजी श्रमिकों को तनख्वाह मिलती है उसी के बराबर तनख्वाह दिलाई गई है, और कई केसेस में हुए हैं। काफ़ी पहले एक HL में भी इसी तरह का प्रकरण आया था, बहुत दिन पहले की बात है, जिसमें एक ठेकेदार को कहा गया था कि लेबर कमीशन डिसाइड किया था कि ठेकेदार वही तनख्वाह देगा जो HL के सीधे नियोजित कर्मचारियों को मिलती है। तो उस ठेकेदार के कर्मचारी जब तक उस कंपनी में रहे तब तक उनको वही तनख्वाह मिलती रही, बाद में धीरे धीरे वो समय बीत गया, ठेकेदार बीत गया, तो इस तरह के एक उदाहरण आए हैं जहाँ पर बराबर तनख्वाह देने के आदेश हुए। इसमें ये भी थोड़ा सा डालिएगा कि पेरिनियल नेचर ऑफ वर्क और जो टेम्परेरी नेचर ऑफ वर्क, इसमें थोड़ा सा प्रकाश डालिएगा कि किस टाइप के काम इसमें आए। जैसा कि आपने पहले बताया था कि गजट भी आया हुआ है, वो थोड़ा सा उसके बारे में बताइएगा। देखिए, ये संविदा श्रम अधिनियम की धारा 10 इसमें पढ़ने लायक है। इसमें दो धाराएं हैं, धारा 10 और धारा 21, दो धाराएं जब से पढ़नी चाहिए। धारा 10 में क्या है कि यदि कोई निरंतर चलने वाला कार्य है और उस प्रतिष्ठान का मुख्य कार्य है, दो बातें हैं, निरंतर चलने वाला कार्य और मुख्य कार्य, ये दो बातें अगर पूरी होती हैं तो ऐसे वर्ग को समुचित सरकार संविदा श्रमिक नियोजित करने से निषिद्ध कर सकती है। तो वो नोटिफिकेशन होगा, नोटिफिकेशन के द्वारा ये आदेश किया जाएगा कि पर्टिकुलर इंडस्ट्री के पर्टिकुलर कार्य में संविदा श्रमिक नियोजित नहीं किया जाएंगे। अगर ऐसा है तो संविदा वहाँ पर वो लाइसेंस उस कार्य के लिए नहीं ले सकता है, और बाकी लाइसेंस जिस कार्य के लिए लिया तो उस कार्य को करा सकता है। IR मैटर का थोड़ा सा उसमें प्रकाश डालिए कि IR मैटर को निपटाने के लिए आप लोग क्या करते हैं, जैसे कि कोई इसमें एग्जांपल भी मतलब दीजिएगा, जैसे आपसे रेणुकूट वाला हुआ, बहुत अच्छा एग्जांपल था। नहीं, रेणुकूट वाला नहीं, IR मैटर में आपने एक, हाँ, IR मैटर कई IR मैटर तो बहुत है। IR मैटर एक्चुअली प्रैक्टिकल है, ये जब दोनों पक्ष श्रमिक और सेवाजक, श्रमिक पक्ष खासतौर से जब ये अपनी मांग पत्र देते हैं तो वो काफ़ी जद्दोजहद करते हैं। श्रमिक चाहता है कि हमें अधिक से अधिक मिल जाए, सेवाजक चाहता है कि हमें कम से कम देना पड़े, तो वो इक्विलिब्रियम पॉइंट हमें ढूंढना है, वो समातोलन बिंदु की तलाश में हम लोग रहते हैं। तो वो पॉइंट जब मिल जाता है तो वो वार्ता सफल हो जाती है। वो पॉइंट कैसे मिलेगा, वो तमाम तरह के टैक्ट होते हैं, तमाम तरह के कभी उधर से कभी उधर से बातचीत करते 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 अल्टीमेटली किसी न किसी पॉइंट पर हम लोग पहुँचते हैं, अमिकेबली सोल्यूशन उसका निकालते हैं और कराते हैं, समझौता होते हैं, समझौता रजिस्टर्ड भी होते हैं, और जब समझौता होता है और समझौता रजिस्टर्ड होता है उसके अनुसार जब तनख्वाह मिलती लोगों को तो वर्कर भी बहुत खुश होता है क्योंकि उसकी तनख्वाह बढ़ गई है, और एम्प्लॉयर भी बहुत खुश होता है। तो वर्कर जब खुश होगा तो वो मन से काम करेगा, पूरा जी जान लगा के उस इंडस्ट्री के प्रति काम करेगा, और एम्प्लॉयर इसलिए खुश हो गया क्योंकि हमारे श्रमिक पूरी तरह हमारे प्रति समर्पित हैं, अच्छा काम कर रहे हैं, इससे प्रोडक्टिविटी बढ़ रही है। तो दोनों के बीच में समन्वय जब स्थापित हो जाता है तो उसके बड़े अच्छे रिजल्ट होते हैं। कभी कभी अनहोनी जो हो जाती है, जैसे कई बार स्ट्राइक कर दिया, स्ट्राइक में जैसे एक श्रमिक नेता को थोड़ा सा माइंड हैंडलिंग हो गई, उसको बहुत बड़ा इशू बना लिया गया, बनाने के बाद में फिर वो राष्ट्रीय लेवल के नेता लोग उसमें आने लगे, राष्ट्रीय स्तर के, वो बहुत बड़ा राष्ट्रीय लेवल का इशू बनने जा रहा था। फिर हम लोग गए और असिस्टेंट पुलिस कमिश्नर भी गए, रात दिन हम लोग डेरा डाले रहे वहाँ पर, और करते 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 कभी इनसे कहें ये शर्तें हैं तो वो न तैयार हों, उनसे कहें वो शर्तें हैं तो वो न तैयार हों, फिर अल्टीमेटली हुआ समझौता,
लगातार रहने के बाद समझौता हुआ और कार्य बहाल हुआ और आज वो फैक्ट्री बहुत अच्छी प्रोडक्शन चल रही है। इसी तरह एक और फैक्ट्री थी जहाँ मांग पत्र था, उसमें भी बहुत लंबा चलता रहा है, करीब 1.5-2 साल तक वार्ता चली, लेकिन उसको सुलझाया, समझौता हुआ और समझौता होने के बाद में आज बड़ी अच्छी फैक्ट्री चल रही है, वर्कर भी खुश है, एम्प्लॉयर भी खुश है। तो दोनों के सामंजस्य से आयार यही है कि हमें बड़ी ईमानदारी से काम करनी है। वर्कर की निगाहें भी हमारे ऊपर हैं, एम्प्लॉयर की निगाहें भी हमारे ऊपर, दोनों लोग बड़े बड़े ध्यान से देख रहे हैं हमको और बड़ी प्रत्याशा के साथ देख रहे हैं कि ये साहब हमको कुछ न कुछ दिलाएंगे। तो हमें उनके चीज़ों पर खड़े उतरना है और उनके विश्वास कभी ख़त्म नहीं होने देना है। जिस दिन हमारा वर्कर से विश्वास ख़त्म हो जाएगा हम किसी काम के नहीं रहे, जिस दिन हमारा एम्प्लॉयर से काम विश्वास ख़त्म हो जाए तब भी हम किसी काम के नहीं रहे, दोनों पर विश्वास बना रहे। जब तक विश्वास बना रहेगा तब तक एम्प्लॉयर एम्प्लॉई दोनों बिल्कुल एक गाड़ी के पहिए की तरह चलेंगे और दोनों चलेंगे, दोनों अनुपूरक के रूप में काम करेंगे, तभी हम आगे बढ़ेंगे, तभी हमारा प्रदेश $1 trillion की लक्ष्य को पूरा कर पाएगा। एक साथ कारखानों में सेफ्टी, हेल्थ एंड सेफ्टी के लिए और जो हैजार्डस कारखाने वहाँ पर भी जो सेफ्टी के लिए हम क्या प्रिकॉशन लेते हैं या जो हमारे इसमें निरीक्षण के लिए, वैसे इसमें असिस्टेंट डायरेक्टर फैक्ट्रीज या डिप्टी डायरेक्टर फैक्ट्रीज को इसमें आपके यहाँ पर देखा जाता है, तो आप लोग किस तरह से इसको मॉनिटर करते हैं? देखिए निरीक्षण अलग विषय, इम्प्लीमेंट कैसे करवाते हैं, निरीक्षण अलग विषय हो गया और जागरूकता दूसरा विषय हो गया। जागरूक निरीक्षण क्या है कि साल में एक बार निरीक्षण होना जरूरी है, जब निरीक्षण होता है तो उसको ठीक ठाक कर दिया गया, बाद में फिर वैसे हो गया, तो फिर निरीक्षण होना ना होना कोई मतलब नहीं है। सवाल यह है कि मतलब हर समय श्रमिक सेवायोजक कर्मचारी, चाहे वो सेफ्टी से संबंधित कर्मचारी हैं, अधिकारी हैं अथवा नहीं भी हैं, उनको भी जानकारी होनी चाहिए कि अब रास्ते में पड़ा है सामान, उसमें तमाम कागज गत्ते पड़े हुए हैं, तमाम बोरियां पड़ी हुई हैं, ये नहीं होना चाहिए। अगर कहीं भगदड़ मची तो दिक्कत तो बाधा होगी, वो हटा देना चाहिए। ये छोटी छोटी बातें हैं, जो पुली है पहिया घूम रहा है उसको ढक के रखना चाहिए, जो पट्टा चढ़ा हुआ है पहिए पर वो लगातार घूम रहा है उस पट्टे को ढक के रखना चाहिए, पट्टे मान लिया किसी का कपड़ा फंस जाए तो तुरंत हो चुके हैं, घटनाएं हो जाती हैं। ये छोटी छोटी सेफ्टी के नाम्स हैं, दरवाज़ा बाहर की तरफ खुले, दरवाज़ा अंदर की तरफ ना खुले, ये स्वाभाविक सी बात है। जब बाहर की तरफ लोग भागते हैं तो दरवाज़ा ऐसे खोलते हैं, दरवाज़ा अपनी तरफ नहीं खोलते हैं, तो जब खोलें तो बाहर की तरफ खुलें ताकि सब लोग भगदड़ में जल्दी जल्दी निकल जाएं। और जैसे आग से बचाव के उपाय हैं, यानी सेफ्टी हैं, बेल्ट लगाना है, हेलमेट लगाना है, ग्लव्स पहनना है, गॉगल्स पहनना है, कैसे पहने जाए, क्या करा जाए, ये सबसे बड़ी बात। एक तो सेफ्टी इक्विपमेंट की उपलब्धता है, ये सेवाजक उपलब्धता सुनिश्चित करावे, और उपलब्धता से भी ज़्यादा जरूरी है उसका उपयोग और उसके उपयोग के महत्व को समझाया जाए। इसके लिए मैंने कारखाना का उदाहरण दिया कि एक ग्रेसम इंडस्ट्रीज है रेणुकूट में, तो वहाँ क्या होता है कि जैसे हम लोग सुबह सुबह जब छोटे बच्चे थे तो प्रेयर करते थे, हो सकते हमारे देव दया निधि कर्तव्य मार्ग पर डट जाएं, तो वो प्रेयर करते थे, वैसे प्रेयर वो लोग भी करते हैं। तो 15-20 मिनट के लिए प्रेयर के लोग इकट्ठा होते हैं, वहाँ पर लाइन लगा दी जाती है, प्रेयर होती है, उसके बाद में कोई सेफ्टी वाला आता है, वो सेफ्टी नाम समझाता है, वो सेफ्टी नाम्स हर एक के लिए है तो हर एक को समझना चाहिए, तो ये लक्ष्य वहाँ पूर्ण होता है, चाहे केमिकल से बचाव हो, चाहे और किसी चीज़ से बचाव हो, तो ये सब समझाता है, बताता है। तो जब बताते बताते हर चीज़ रट जाती है, उनको रट जाती है, तो उसी तरह इम्प्लीमेंट करते हैं। तो हर एक वर्कर को, हर एक कर्मचारी को, हर एक अधिकारी को, चाहे वो चाहे फाइनेंस का हो, चाहे मार्केट का हो, चाहे सेल्स का हो, लेकिन उस कारखाने में अगर काम कर रहा है तो उसको सेफ्टी नॉर्म्स के बारे में ज़रूर मालूम होना चाहिए। ये नहीं सोचना चाहिए कि ये तो सिक्योरिटी ऑफिसर का काम है, ये तो सेफ्टी ऑफिसर का काम है, नहीं, ये सबका काम है, सबका काम। तो सबको सेफ्टी के बारे में बताया जाए, मेरा तो यही संदेश है सभी लोगों को कि सेफ्टी के बारे में हर एक को जानकारी दी जाए और इस तरह से कार्यक्रम किए जाएँ, रोज़ किए जाएँ या हफ्ते में एक दिन किए जाएँ, सबको बताया जाए कि सेफ्टी क्या है, कैसे बचाव हो सकता है, यही सबसे बड़ा उपाय होगा। कॉन्ट्रैक्ट लेबर एक्ट में जैसे अगर कोई
कॉन्ट्रेक्टर है, उसने एक जगह पर काम किया, वहाँ पर उसका कॉन्ट्रैक्ट खत्म हो गया और उसने सिक्योरिटी डिपॉजिट जमा किया हुआ 300 रुपये पर एम्प्लॉई के हिसाब से। सपोज 50 एम्प्लॉई का उसने 15,000 रुपये जमा किया हुआ, वो उसको इसके बाद काम खत्म होने के बाद उसको वापस चाहिए होता है, क्योंकि वो फिर कहीं और काम कर रहा है, वहाँ पर उसको ज़रूरत होती है या जनरली वापसी होता है उसको। तो उसमें जब से ये ऑनलाइन सिस्टम हुआ तब से बता रहे हैं कि दिक्कत आ रही है मिलने में, तो इस विषय में आप क्या कहना चाहेंगे? देखिए प्रॉब्लम ऐसा सच है नहीं, आप ऑनलाइन तो जमा किया, पहले क्या होता था कि ऑफलाइन चालान होता था, तो ऑफलाइन चालान में वो दस्तखत किए हैं बाकायदा, वो ओरिजिनल चालान लगा दिया और उसके साथ में क्या है, ये जो सिक्योरिटी का अमाउंट है ये 84-43 हेड में जमा होता है कोषागार में, 84-43 हेड इसके लिए पहले से ही डिसाइड है। तो इस हेड में जमा होने के बाद में जब वो चालान ओरिजिनल चालान ले लेते थे ले करके उसमें एक बिल बना दिया, DDO जो होते हैं ऑफिस के, वो DDO बिल बनाते थे, बिल ट्रेजर को भेज देते थे, जैसे बिल ट्रेजर को भेज दिया वहाँ पास होगा, पास होने के बाद वो संबंधित कॉन्ट्रेक्टर के खाते में ट्रांसफ़र हो जाता था। अब क्या ऑनलाइन जमा होता है, ऑनलाइन जमा करने पर वो ऑनलाइन मिल भी जाता है, ऑनलाइन टैली भी हो जाता है, आप कोषवाणी से उसका मिलान कर सकते हैं। तो कोषवाणी से उसका मिलान कर लिया कि वो जमा हुआ कि नहीं जमा, मिलान करके उसका प्रिंट आउट लगा दिया, लगा करके बिल बना दिया, बिल बना के भेज दिया, बस ये कंप्लीशन लिया जाता है कि प्रिंसिपल एम्प्लॉयर का सर्टिफिकेट कि कार्य कंप्लीट हो गया है, किसी श्रमिक का पेमेंट बाकी नहीं है, ड्यूज सब पूरे हो गए हैं, ये फुल एंड फाइनल हो गया है, ये सब सर्टिफिकेट लेने के बाद में और कॉन्ट्रैक्टर का एप्लीकेशन लेने के बाद में वो सीधे वो ऑनलाइन चेक करने के बाद में ट्रेजरी जो कोषवाणी है, कोषवाणी से चेक करने के बाद में बिल बनाना है, बिल बना के भेज देना है, इतनी सी प्रक्रिया है और कोई प्रॉब्लम नहीं है। हालांकि यहाँ मैंने देखा है काफ़ी लोगों को प्रॉब्लम हो रही है, मैंने कई बार कहा भी ऑफिस में, तो कई स्टाफ लगा भी हुआ है इस काम में, लेकिन अभी तक पेमेंट होने में दिक्कत आ रही है, तो उसको हम दिक्कत दूर कराने का प्रयास लगातार कर रहे हैं, लेकिन ऐसा थ्योरेटिकल कोई प्रॉब्लम ऐसा है नहीं कि हाँ उस ना ही बहुत लेंदी काम है। दिक्कत ये हमारे ख्याल से ट्रेजरी से शायद दिक्कत आती है, ट्रेजरी से कोई दिक्कत नहीं होती, अगर आपने बिल बना के भेजा, बिल प्रॉपर बना के भेजा है और जो जो रिकन्सिलेशन शीट लगी है वो कोषवाणी की शीट लगा दिया है कि जो हमने पैसा 84-43 में जमा किया है वही हम पैसा वापस ले रहे हैं, तो ट्रेजरी को क्या दिक्कत हो सकती है, किसी को दिक्कत होना चाहिए नहीं होना चाहिए। ये ऑनलाइन काम लिबरलाइजेशन ऑनलाइन का काम जो है प्रक्रियाएं सरल बनाने के लिए किया गया, उसी के लिए किया गया, सरलीकरण हो, लोगों को सुविधा हो, लोगों को आसानी हो, इसलिए किया गया है, ना कि कठिन हो जाए, कठिन नहीं करना है, सही आसान करना है, अब आसान हम बनाएंगे उसको, अगर कहीं कोई दिक्कत है उसको दूर करेंगे। चलिए सर, जो आपकी निरीक्षण टीम होती है जो जाती है कंपनियों में इंस्पेक्शन करने के लिए, उसके लिए तो वो किस आधार पे किस उस पे इंस्पेक्शन करते हैं कंपनियों में, किस क्या क्या मतलब वो देखते हैं, क्या क्या चीज़ें देखते हैं? श्रम कानूनों का अनुपालन एक तो सुनिश्चित कराना होता है कि श्रम कानूनों का अनुपालन सुनिश्चित हो रहा है कि नहीं हो रहा है, तो इसमें किस तरीके से उसको हैंडल करते हैं ये चीज़ थोड़ा सा? सरकार के द्वारा उसको समय समय पर रेगुलेट किया गया है, जैसे आपको याद होगा सबसे पहला इसमें GO जारी होता सन 1998 में, जब उन्होंने कहा गया था कि कोई भी निरीक्षण जिलाधिकारी अथवा मंडलायुक्त की अनुमति के बगैर नहीं होगा, ये सबसे पहला GO था, योगेंद्र नारायण साहब ने जारी किया था, चीफ सेक्रेटरी साहब। उसके बाद में समय समय पर GO जारी होते रहे, फिर ये कहा गया कि इंस्पेक्टर आज मुअत्तल किया जाता है, बीच में एक आया उसके बाद फिर चालू हुआ, उसके बाद फिर यह कहा गया कि इन इन अधिनियमों में इन इन धाराओं में कर सकते हैं बाकी में नहीं कर सकते हैं, ये भी एक GO बीच में आया था। उसके बाद में फिर 2017 में फाइनली एक GO जारी हुआ, वो 2017 में कहा गया कि ये केंद्रीय निरीक्षण प्रणाली होगी, उस निरीक्षण प्रणाली के तहत दो तरह से तीन तरह से शिकायत तीन तरह से निरीक्षण हो सकते हैं, पहला यह केंद्रीय निरीक्षण प्रणाली के अंतर्गत रेगुलर निरीक्षण, दूसरा शिकायत के आधार पर निरीक्षण और तीसरा जो है वो दुर्घटना के आधार पर निरीक्षण। तो दुर्घटना के आधार पर जहाँ कोई संघाती दुर्घटना हुई है दुर्घटना के आधार पर असिस्टेंट लेबर कमिश्नर भी आदेश कर सकता है कि आप पर्टिकुलर फैक्ट्री का जहाँ दुर्घटना हुआ निरीक्षण कर लीजिए। दूसरा जो है शिकायत के आधार पर है,
तो शिकायत के आधार पर जो भी निरीक्षण होंगे, तो शिकायत जिनकी जिनकी होगी, और शिकायत में अगर जांच करने से समाधान नहीं हो सकता है, अगर दोनों पक्षों की वार्ता बुलाने से समाधान नहीं हो सकता है, तो ये सारे कारण लिखते हुए लेबर कमीशन को पत्र लिखा जाएगा कि पर्टिकुलर फैक्ट्री में यहाँ श्रमिक समस्या है, श्रमिकों को श्रम कानूनों के अंतर्गत अनुमन्य हित लाभ नहीं दिया जा रहे हैं, इस कारण और इसके लिए जांच कराई गई समाधान नहीं हो पाया, निरीक्षण और वार्ता बुलाई गई वार्ता में भी समाधान नहीं हो पाया, इस कारण से इसका निरीक्षण कराया जाना अपरिहार्य है। केमिकल हजारस फैक्ट्रियाँ हैं, उसमें साल में एक बार होता है, बाकी जो फैक्ट्रियाँ हैं या बाकी प्रतिष्ठान हैं उनकी एक सूची बनी हुई, सूची में रैंडम आधार पर श्रम पदाधिकारियों की उपलब्धता उनकी क्षमता के अनुसार एक पर्टिकुलर संख्या में कारखाने या प्रतिष्ठान दे दिए जाते हैं कि इस महीने आप इनका निरीक्षण कर लीजिए, तो वो निरीक्षण किए जाते हैं। उस निरीक्षण में एक जाई निरीक्षण होता है, उस निरीक्षण प्रणाली में हमारे फैक्ट्री वाले शामिल होते हैं, लेबर वाले शामिल होते हैं, बाट माप वाले शामिल होते हैं, प्रदूषण वाले, ये चारों लोग जा करके एक बार निरीक्षण करते हैं। एक बार निरीक्षण होने के बाद में बार बार निरीक्षण ना हो ये भी इंश्योर किया जाता है, इसलिए रैंडम आधार पर कंप्यूटर स्वयं चूज करके जो वहाँ से भेजता है वही हम निरीक्षण करते हैं। अब ये नहीं है कि कोई भी श्रम पदाधिकारी या कोई भी निरीक्षक कहीं भी जा करके किसी फैक्ट्री में निरीक्षण ऑल ऑफ सडन कर दे, ऐसा नहीं है। निरीक्षण के लिए बाकायदा श्रम आयुक्त से परमिशन आएगी, चाहे वो CIS के अंतर्गत हो चाहे शिकायत के आधार पर हो, परमिशन लेने के बाद निरीक्षण होगा, निरीक्षण के आधार पर शोकाज जारी होगा, शोकाज के बाद कंप्लायंस का समुचित अवसर होगा, अगर कंप्लायंस होता हो जाता है तो उसको समाप्त कर दिया जाएगा, कंप्लायंस नहीं होता है तभी प्रोसिक्यूशन की कार्रवाई की जाएगी। बहुत खुशी हुई कि आपने आज बड़ी बेबाकी से बड़े मतलब खुले दिल से आपने सारी बातें रखी और हमारे दर्शकों को आपने सब कुछ क्लियर मतलब बहुत ही अच्छे तरीके से सारी चीज़ें आपने समझाई, और हमें पूरी उम्मीद है कि जो भी दर्शक इसको देख रहे हैं सुन रहे हैं तो वो इन समस्याओं को भी, जो उनकी समस्याएं होती हैं वो भी काफ़ी हद तक उनका निदान हो गया होगा। कोई भी अगर कभी भी किसी को कोई दिक्कत होती है, कोई प्रॉब्लम होती है, तो सलजूदाम सर हमेशा उपलब्ध हैं ऑफिस में, और जाकर आपसे मिलके आप अपनी समस्या का समाधान करवा सकते हैं। धन्यवाद, थैंक यू वेरी मच, आपने अवसर दिया, इसके लिए बहुत आभारी हैं, और आपके माध्यम से तमाम श्रमिकों और सेवाजकों से इस चीज़ की जानकारी मिलेगी, श्रम कानून हमारे क्या हैं और किस तरह पालन करना चाहिए, इसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद।